मुझे कुछ इतना याद नहीं है, पर मेरे पापा कहते हैं कि नहीं था, फिफ्थ तक मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और इतना मुझे पता है कि काफी वीक थी मैं फिफ्थ तक। जिस टाइम गर्ल्स के लिए इतनी एजुकेशन वगैरह नहीं करवाते थे, तब भी उन्होंने हमें बेस्ट स्कूल्स दी। मेरी दो सिस्टर्स अभी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, एक जो बड़ी सिस्टर है उनका नाम मोबिना बानो है, और जो सेकंड है उनसे छोटी उनका नाम बेबी बानो है। तो मैं इनकी मार्फत से इनको पढ़ा के इनकी इनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी जीना चाहता था कि भाई ये अगर बच्चियां कामयाब हो गई तो हमारे समाज में एक मैसेज जाएगा, बहुत बड़ी बात है। मैं हंसता था, मैं बोला ये तो नहीं हो सकता। क्यों आज हम नागौर जिले के मावा गांव में हैं और यहाँ की होनहार बिटिया तबस्सुम बानो ने कक्षा 12 विज्ञान में शानदार परिणाम देते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तबस्सुम का हाल ही में कालीबाई भील स्कूटी वितरण जो स्कीम है राज्य सरकार की, उस योजना अंतर्गत स्कूटी के लिए चयन हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए आपने ये पोस्ट पहले देखी होगी। आज हमारा सौभाग्य है कि तबस्सुम से हमारी मुलाकात हुई है, मावा गांव में हमारा आना हुआ, और सुबहान खां सलेम खाने की साहबजादी है तबस्सुम बानो, तो आज आपकी मुलाकात करवाएंगे तबस्सुम से। गर्ल्स को ये स्कीम का लाभ मिलता है, जिसमें जिन गर्ल्स के 12th में अच्छे परसेंटेज है, जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कूटी वगैरह दी जाती है। अभी मैं स्प्रिंट सेक्टर से बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कर रही हूँ, ये मेरा थर्ड ईयर है। ग्रेजुएशन का एक साल बाकी है, तो उसमें मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो और मैं उसमें कुछ कर सकूं। ये फर्स्ट ईयर में जब हम एडमिशन लेते हैं उसके बाद फॉर्म्स फिल होते हैं, तो उस वक्त मुझे पता चला था। अच्छा, फॉर्म भरने के बाद क्या आपको लग रहा था, आपको उम्मीद थी क्या कि इसकी बड़ी स्कीम इसमें आपका नंबर आ जाएगा क्या? नहीं, मुझे तो नहीं थी पर्सनली, क्योंकि अभी तक कोई स्कॉलरशिप वगैरह मैंने ऐसे ली नहीं है, तो और काफ़ी टाइम भी निकल गया था। फर्स्ट ईयर की स्कीम थी और थर्ड ईयर आ चुका था, तो बट फिर सडनली कॉल आया था कॉलेज से, तो पता चला कि पता मुझे मिली भी ये चला है कि जो बचपन था उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में आपका। है। मुझे कुछ इतना याद नहीं है, पर मेरे पापा कहते हैं कि नहीं था, फिफ्थ तक मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और इतना मुझे पता है कि काफ़ी वीक थी मैं फिफ्थ तक, क्योंकि जब शेखावाटी में गई थी तो सेक्शंस होते थे और सी सेक्शन में थी हमेशा, वो भी वीक स्टूडेंट्स में। बट शेखावाटी का मतलब एक बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरे दिल में बहुत जगह भी है उसके लिए, बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि शेखावाटी की वजह से ही एजुकेशन की तरफ रुझान हुआ, और जो इंटरेस्ट है एजुकेशन में वो उन्हीं की वजह से आया था, क्योंकि उनका करिकुलम बहुत अच्छा है। और 6th क्लास के जो एंडिंग के एग्ज़ाम्स थे उसमें मैं सेक्शन ए में आई थी, और उसके बाद हमेशा क्लास में अच्छा ही किया है मैंने। हमारे जो डायरेक्टर सर हैं मिस्टर जितेंद्र अरुणा, और जो भी जितनी भी फैकल्टी है शेखावाटी की जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनको बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मुझ में इतना टाइम इन्वेस्ट किया और मेरे अंदर से बेस्ट निकाला। मेरे पापा हमेशा से ही गर्ल एजुकेशन वगैरह में यकीन रखते हैं, और जिस टाइम गर्ल्स के लिए इतनी एजुकेशन वगैरह नहीं करवाते थे, तब भी उन्होंने हमें बेस्ट स्कूल्स दी, और पढ़ते पढ़ते यकीन भी नहीं था कि एजुकेशन से हम जॉब करेंगे कभी, बट मेरी दो सिस्टर्स अभी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो वो जब जॉब लगे तो पता चला कि हाँ जॉब करनी ही है, पढ़ना नहीं है सिर्फ, डिग्रीज नहीं लेनी है सिर्फ। तो मेरी दो टीचर, दो बहनें गवर्नमेंट टीचर्स हैं, नाम क्या बताएं? एक जो बड़ी सिस्टर है उनका नाम मोबिना बानो है, और जो सेकंड है उनसे छोटी उनका नाम बेबी बानो है। तो उनकी 3 साल की सर्विस हो चुकी है अभी गवर्नमेंट टीचिंग में। बचपन ऐसा गुजरा है, जब हम बाहर विदेश में रहें तो शिक्षा का पता चला है कि शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। एक नौकरी के लिए नहीं, लेकिन अगर शिक्षा हो तो हर जगह काम आती है। तो हमने ये महसूस किया, मेरे एक लड़का है, ये 5 लड़कियां हैं, लड़का मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के वहाँ पे बिजनेस में लग गया, तो बाकी बच्चियाँ रह गई। तो मैं इनकी मार्फत से इनको पढ़ा के इनकी
इनकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था कि भाई ये अगर बच्चियां कामयाब हो गई तो हमारे समाज में एक मैसेज आएगा कि दो बच्चियां एक साथ सिलेक्शन हुआ और जो मेरे मित्र हैं दूसरे उन्होंने बहुत कुछ मतलब किया है, जगह जगह बुला के सब कुछ, जैसे आप आज ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसमें थोड़ा प्राउड महसूस होता है कि अपनी बच्चियां हैं उनके वजह से आज हमारा भी नाम है। और उन बच्चियों ने चैलेंज, एक बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ से जब निकलती थी पढ़ने के लिए तो जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं आपको पता है कि इसमें क्या स्थिति है, तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या कर रहे हो, यानी एक बहुत सी बातें हैं जो बच्चियाँ यहाँ से अपने बलबूते पे पढ़ी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कभी हमने कोचिंग करवाई है, ये जब पढ़ी है कभी इनका ट्यूशन नहीं करवाया है, खेती का काम बराबर माँ के साथ हमारे साथ किया है, घर का पूरा काम करके ही पढ़ी है। उसके बावजूद जब ये भर्ती आई तो उन्होंने साफ कहा था कि ये एक एक सीट तो ये हमारी है, इतने कॉम्पिटेंस से एक कैंडिडेट कहे तो बहुत बड़ी बात है। मैं हंसता था, मैं बोला ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक अनहोनी सी लगती थी, और उन दोनों ने करके दिखाया। उसमें साथ में मेरा दोस्त है, उनके दो बच्चे थे, एक राहुल और उस क्या नाम रेखा, तो वो दोनों का सिलेक्शन हुआ, चार बच्चे हैं हम दोनों के, दो दो ये सिलेक्शन हुए। लोगों ने बहुत सी बातें की लेकिन उन बातों पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और बच्चों ने हमारा सेना गर्व से चौड़ा कर दिया। उसी के बाद मेरे दिल में आई थी कि मैं इसको और ज़्यादा तो समझ नहीं थी, क्योंकि अब इतनी शिक्षा हमारे पास भी नहीं है, हमारे समझ में आई कि हम इनको डॉक्टर बना दें। तो मैंने उस वक्त कोशिश की ये एडमिशन कराने के बाद प्रिंस में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से थी, तो यहाँ जो शेखावाटी कॉलेज है हमारे यहाँ आसपास ही जितने कॉलेज हैं उनसे इंग्लिश मीडियम नहीं है, और इसकी पकड़ इंग्लिश में है, तो हिंदी में ये बोली मेरे से कुछ होगा नहीं। तो प्रिंस हमने चॉइस की, अब प्रिंस में एडमिशन करवाया, तो हमने नीट की एग्ज़ाम भी दिलवाई एक बिना पढ़े, कोरोना की वजह से कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन इसके मार्क्स पास के वाले आगे थे, तो मैंने सोचा कि वक्त कम है, क्योंकि थोड़े से समाज में बच्ची है तो इसको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, तो क्यों ना हम, पहले तो विचार था बाहर से विदेश से करवाते हैं, लेकिन विदेश वाली हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने मना कर दिया कि बाहर नहीं भेजेंगे बच्ची को, तो यहीं पे सोचो। तो मैं बहरहाल NRE हूँ, तो NRI कोटे से हमारी यहाँ पे सीटें रिजर्व है, उसमें ये हो सकती थी, लेकिन बच्ची ने खुद कहा कि पापा मेरा थोड़ा दिल कम है डॉक्टर इस जॉब में, तो जब इसका दिल नहीं है तो हमें ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं है। ये IAS वगैरह जो भी UPSC की तैयारी करने की कोशिश कर रही है, ये मैंने जो कोर्स करवाया ये मेरी मर्जी थी कि हो सकता है कि हम वहाँ जा ना सके, वो टफ है, तो कम से कम ये डिग्री का टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये डिग्री पास में होगी तो ये लेक्चरर या जो भी फर्स्ट ग्रेड का कुछ बनते हैं वो प्रोफेसर वगैरह उसमें ये जा सकती है, तो वो भी साथ साथ चला रहे हैं। और बाकी ये अब ये फाउंडेशन करेगी, क्योंकि अभी इसका एक साल बाकी है, तो उसमें ये बहुत खुशी की बात है, मैं तो ज़्यादा बयान नहीं कर सकता। बच्चियों की तालीम में पिता का रोल तो आपने बखूबी निभाया, एक जो दूसरा पार्टनर का रोल होता है उसका भी पूरा सपोर्ट मिला, बैकअप मिला आपको? तो बहुत ज़्यादा बैकअप मिला, हम तो बाहर रहने वाले आदमी कमाने वाले थे, हम यहाँ हर समय नहीं थे, लेकिन इसकी जो मम्मी है उसका सबसे बड़ा रोल है, वो हालांकि गृहिणी है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद शिक्षा, जब वो मेरे साथ सऊदी अरब गई थी वहाँ इसने शिक्षा का वो जब देखा कि हर घर में हर बच्चा इस तरह से पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि वो मुस्लिम होने के बावजूद, क्योंकि ये तो एक धारणा ही है, धारणा है नहीं, हम पिछड़े हुए भी हैं इसमें कोई बात नहीं, तो इसके ध्यान में आया कि भाई ज़रूर पढ़ाई सब कुछ है, क्योंकि उसको भी महसूस होती थी या हम यहाँ से निकले हैं फ्लाइट में। एक बात ऐसी थी कि ये जब बाहर गई तो ये तीन बच्चियाँ और ये बच्चा, ये बिल्कुल 15 साल का था, ये चारों थे, मैं नहीं था, वीज़ा भेजा था फ्लाइट करके, इनको वाया कुवैत भेज दिया, तो भी इन ये गए तो एक अंदाज लगाने की बात है, इनकी बहुत घबराहट थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उस वक्त इनको समझ में आया कि पढ़ाई बहुत कुछ चीज़ है। तो वापस जब यहाँ आए हम, आप पक्का बात मानो कि सऊदी में इतना खर्चा करने के बाद वो रुकने के लिए तैयार नहीं थी इनकी पढ़ाई के लिए, वो बोली ये पढ़ाई डिस्टर्ब होगी अगर हम यहाँ रहे तो, इनको हमें वापस भेजो और इनका एडमिशन करा के मैं पढ़ाऊँगी।
वापिस आके उसने पढ़ाया, दिल लगा के पढ़ाया और आज उसका नतीजा ये सारा श्रेय उसको ही है। हम सिर्फ पैसे कमा सकते हैं लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा रोल है इनकी माँ का, तो ये बात है। कायम रतन सुबेदार इकबाल खान साहब हमारे साथ हैं। सुबेदार साहब, व्हाट्स योर फीलिंग? व्हाट आई फील आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। टुडे वी आर लकी एनफ, वी आर हियर इन दिस होम, ए प्रेस्टीजियस होम। दिस सुभान खान हाउस इज नॉट ओनली हाउस बट फॉर अस इट इज ए मिराकल, इट इज अमेजिंग। सुभान खान जी, हिज सन एंड हिज डॉटर, दे हैव शोन दैट ए मैन कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, प्रोवाइडेड ही इज इंटरेस्टेड इन डूइंग गुड वर्क। वी आर प्राउड ऑफ यू, पर्टिकुलरली ऑफ तबसुम एंड इन जनरल ऑफ योर होल फैमिली। यू आर एन इंस्पायरिंग फ्रेम फॉर होल कम्युनिटी। देयर इज अ प्रोवर्ब इज स्टेट सेज दैट वी कांट गो बैक, वी कांट चेंज टाइम, वी कांट गो बैक, बट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी आर एंड वी कैन cannot change our beginning but we can change our ending. You are a mechanic, a simply mechanic, aluminum mechanic. Now your sons and daughters, they are highly educated and for the rest of the community they are role model. We can learn a number of things from you. We are proud of you. Thanks, a lot of thanks. As a, in the capacity of Aks Sudhar समाज सुधार कमेटी कायम खानी मास वाला स्थान, आई फील प्राउड।